बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर देता हूँ नसर प्रिंट चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज हम बनाने लगे हैं मूली वाले पराठे। ये तो सर्दियों की सौगात है, यानी कि मूली वाले पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं, क्योंकि अक्सर ही सर्दियों में ही बनते हैं मूली वाले, साग वाले, आलू वाले, कोई भी बना ले आप, मूली के पराठे हो गए या जो भी कोई पराठा होगा, सभी सर्दियों में ही बनते हैं। तो इसलिए आज हम बनाने लगे हैं मूली वाला पराठा। तो आज आप इसकी रेसिपी देंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले मूली के छिलके उतार लेते हैं। ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से मूली का छिलका ऊपर से उतार लिया है। मूली बड़ी है, दो ही सौ में कर लेते हैं, क्योंकि कद्दूकस करनी आसान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है। तो और एक साथ ही मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको भी मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा नमक लगा के रख लेंगे, यानी कि एक चुटकी के बराबर ही, क्योंकि पानी अच्छे तरीके से निकल जाएगा। दो तीन मिनट के लिए रखेंगे। प्याज को भी लगा रही हूँ, अच्छे तरीके से मसल के रख लेंगे, क्योंकि प्याज का भी पानी बाद में निचोड़ के निकाल देंगे, क्योंकि फिर इस तरीके से बनाएंगे ना तो परोठे बिल्कुल फटेंगे नहीं। और अगर आप मसाला भी अच्छे तरीके से, मूलियों में से पानी निकल जाएगा, तो आप दो दिन तक भी मसाला लगा के, मूलियों का मसाला बना के यानी कि, तो रख सकते हैं, तो पानी बिल्कुल नहीं उसके अंदर होगा। नहीं तो जो लोग पानी नहीं निकालते मूली में से, तो वो मसाला बना कर रखे मूलियों का, तो फिर अक्सर ही पानी बाद में बनाए तो पानी हो जाता है अंदर। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो पानी बिल्कुल नहीं अंदर रहेगा, तो आपका पराठा बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही बनेगा। तो चलिए आप पेड़े बना लेते हैं। चलिए जी, आप पेड़े बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से इतने इतने बनाएंगे हम छोटे छोटे से पेड़े। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ। ये देखें, मैंने पेड़े बना लिए हैं। सिर्फ मैं दो ही पराठे बनाऊंगी, क्योंकि सुबह सभी को मैंने मूली वाले पराठे बना कर दिए थे। मैंने कहा चले कि आप वीडियो बना लेती हूँ मूली वाले पराठों की। तो ये देखें, मैंने दो पराठों के पेड़े बना लिए हैं। अब मूली में से पानी निकालते हैं। ये पानी निकाल लेते हैं मूलियों में से। मैं आपको चेक भी कराऊंगी, देखिए कितना ज़्यादा पानी निकला है। अगर नमक लगा के ना रखें तो बहुत ही कम पानी निकलता है मूलियों में से। ये देखें, मूली में से मैंने अच्छे तरीके से पानी निकाल लिया है। ये देखें, बिल्कुल अलग अलग से हो गया ना। तो अब ये देखिए कितना ज़्यादा पानी निकला है, नमक लगा के रखा था ना, इसलिए ये देखिए एक मूली थी उसमें से कितना पानी निकला है। तो अब प्याज में से निकाल लेते हैं पानी। ये देखें, मैंने बिल्कुल एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसमें से भी ये देखें कितना पानी निकला, क्योंकि नमक लगा के रखा था ना इसलिए। तो अब हम मसाले डाल लेते हैं, पाउडर मसाले सारे। सबसे पहले हम डालते हैं हल्दी। ये देखें, हाफ से भी कम चम्मच डालेंगे। सुरख मिर्च, वो भी हाफ से कम। कुटी हुई मिर्च एक चम्मच। धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ, वो भी हाफ चम्मच, क्योंकि अब थोड़ा सा नमक डालूंगी। ये देखिए, मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मूली को भी लगाया था नमक और प्याज को भी लगाया था। और सब्ज़ मिर्च काट के डाल देते हैं बारीक बारीक सी। ये देखें, सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं मूली के अंदर। ये देखें, बारीक बारीक मैंने मिर्चें भी काट के डाल दिए हैं। अब धनिया डाल देते हैं।
जो मैंने पानी में पहले ही भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि मैं क्या अच्छे तरीके से इसकी मिट्टी निकल जाए, मट्टी निकल जाए। चलिए ये मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मूली में से अच्छे तरीके से सारे मसाले मिक्स कर लें। ये देख लें अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले छोटी सी रोटी बेल लेते हैं इसकी, पेड़े की, जो हमने पेड़ा बना के पहले रखा हुआ था। अब इसके अंदर मूलियाँ लगा लेते हैं। आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आप लोगों के पराठे बनेंगे। हम तो अक्सर ही घर में इसी तरीके से बनाते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब थोड़ा सा अंदर घी लगाएंगे इसके। अब दूसरे पेड़े की रोटी बेल लेते हैं। ये देखिए मैंने दूसरी भी बेल ली है, इसके ऊपर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साइड किनारों से ना इसको हल्का हल्का सा दबा लेते हैं, क्योंकि मुझे बेलने से नहीं बनाने आते, मैं हाथ से ही बनाऊंगी इस तरीके से। जो हाथ के परोठे से मज़ा आता है ना, वो बेलने वाले परोठे से नहीं मज़ा आता। ये देखिए एक 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 साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है। अब दूसरी साइड बदल लेते हैं और इसके ऊपर घी लगाते हैं। मैं तो घी लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे घर में घी वाले पराठे पसंद करते हैं। आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो ऑयल भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं घी लगाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा ऊपर से फूलना शुरू हो गया है पराठा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है पराठा। ये देखें पराठा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब इधर साइड पे रख देते हैं और दूसरा पराठा बना लेते हैं। अब ये ना कहना कि यहाँ से फट गया है, यही तो असल पराठे की मज़ेदार लज्जत होती है। बहुत ही इसी तरीके से बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है। अगर थोड़ी सी फीलिंग बाहर भी निकलनी शुरू हो जाए तो कोई बात नहीं, परोठा आपका मज़ेदार ही बनेगा। ये देखें माशाल्लाह उसी तरीके से दूसरा भी पराठा बन के तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह दोनों साइडों से देखें कितना प्यारा कलर आया है। ये देखें चलो भी अब उतार लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह दोनों पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें अब मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह फुल फिलिंग से भरा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लगता है, और साथ दही हो, चीनी डाली हुई हो दही में, और साथ चार भी हो तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़ेदार और कितना क्रिस्पी बना हुआ है पराठा। आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपके बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। तो इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।